जिंक को ZN से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, और ऑक्साइड को आप रिप्रेजेंट करते हैं O-2 से। ठीक हो गया? तो जो जिंक होता है इस पे होते हैं +2 चार्ज, क्योंकि जो जिंक होता है आपका ये 30 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इस तरह से आप 1s2, 2s2, 2p6, फिर आगे 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो हैं लास्ट में, तो इस पे जिंक 2+ होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा फॉर्मूला ZnO। यानी कौन सा आंसर सही होगा इसमें? फोर्थ आंसर सही होगा। यदि आपका फोर्थ आंसर सही है तो देखें, आप बनाएंगे, खुद से बनाइए, बाद में आपको बताते रहूँगा। यहाँ से आगे देखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, जरा बना के रखिए, तो फिर अपना आंसर जो है चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला? हाँ, आंसर सही है फोर्थ वाला, देख लेंगे। जैसे कि आपके पास है Al-13 हो गया, यानी 283 हो गया, इस पर आगे +3 के चार्ज, और ऑक्साइड पर आगे -2 के चार्ज इस तरीके से, और ये वाला चार्ज आपका इधर चला गया, ये वाला चार्ज आपका इधर चला गया, तो हमारा आंसर बन गया आपका Al2O3। वही चेक करिए अपना अपना आंसर सब लोग, लेकिन कोशिश जरूर करिए इसको बनाने की, ठीक है? जो जैसा भी आंसर आपका जो भी आए, लेकिन कोशिश जरूर करिए, ठीक है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, इसको बनाइए, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जरा बनाइए। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आप बनाइए। चेक करिए कैल्शियम, यानी 2882, सर थर्ड वाला C3PO4 का होल ट्वाइस, आंसर यही होगा। चलिए देखते हैं, इस पर आ गया आपके +2 के चार्ज, कैल्शियम का ये 2 की वजह से इस पर +2 चार्ज आए, और PO4 हो गया आपका -3, तो हाँ आंसर हो गया आपका C3PO4 का होल ट्वाइस, यानी ये वाली संख्या आपकी यहाँ जाएगी, ये वाली संख्या आपकी इधर जाएगी, तो क्या बन जाएगा? C3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कौन सा आंसर? थर्ड वाला आंसर सही बताया था, थर्ड वाला आंसर इसमें रहेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, चौथा सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, जरा बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। ये आसान है, तो ऐसे ही आ जाना चाहिए आपको। सोडियम यानी Na, इसका 11, 2, 8, 1, यानी 1 चार्ज, इस पे आ गया आपका +1 चार्ज, और आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का होता है HCO3, ये याद रखें आप, जो है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? NaHCO3, ये इसका आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड जो है मिलान करिए अपना। ठीक हो गया, यस ठीक है। अब बताइए आंसर हो रही है सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए, सर थर्ड वाला, थर्ड सर थर्ड वाला वाला है थर्ड सल्फेट, सल्फेट का सर पहला वाला कौन सा? हाँ पहला वाला इसमें आंसर सही रहेगा, क्योंकि सोडियम हो गया आपका Na और सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस। जैसे कि इसमें ये
ये सोडियम सल्फेट है तो शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 फर्स्ट वाला। ये तो Na, ये SO3 जिसके पीछे है वो है 2-, इसको सर ये बोलते हैं बाइकार्बोनेट है सल्फाइट। सर, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, सल्फाइट है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये है ना। पांचवे क्वेश्चन में नहीं आ रहा तुम्हारा, पांचवा क्वेश्चन आ रहा है? यस सर, अब आ रहा हूँ। अब आ रहा है सर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका Na2SO4 सल्फेट है, सल्फाइट होगा आपका SO3। अगर एस है किसी के पीछे तो वो सल्फाइट होगा, ये ध्यान रखना है। यदि एस होगा तो सल्फाइट होगा। ठीक हो गया, बदलो स्लाइड, अब आगे आगे देखते हैं इसमें। अब देखो चेंज भी स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 6, जरा इसमें माइक खोल करके मुझे बताना क्या आंसर होगा। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, हाँ, CaCl2, ठीक है, Ca2+ होगा और Cl होगा -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा Ca1Cl2, इट मीन्स CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। CaCl4 ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये हमारा आंसर है फोर्थ वाला CaCl2। आप याद हो ही गया होगा अब तक। ठीक है, नेक्स्ट में अब बताओ जरा इसमें PO4 में कुल कितने परमाणु हैं, PO4-3 में कुल कितने परमाणु हैं। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर एटम कितने हैं वो देखना है, कितने एटम हैं इसके अंदर वो बताना है है, और इस पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, चार सर चार ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो कुल कितने एटम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने एटम हो गए, पांच सर, पांच। तो इसमें था पांच पांच हो पांच गया ना, चार चार तो ये हो गया आपके, एक ये हो गया, पांच हो गए, चार्जेस का इसमें कोई रोल हाँ नहीं सर। है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब जरा इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 8 वाले को। यानी इसमें क्या बोलना कि 1 मोल कॉपर सेकेंड ब्रोमाइड के आयनन से प्राप्त होता है, यहाँ देखना आपने। तो पहले तो खुद से करिए, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको भी। यानी कॉपर सेकेंड ब्रोमाइड, कॉपर सेकेंड ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया आपका 2 सेकेंड, का मतलब हो गया इस पे 2 चार्जेज हैं, जो यहाँ पे दिखा रखा है ना ये वाला, इसका मतलब है +2 चार्ज, इस पे +2 चार्ज है। ब्रोमाइड को आपका मालूम है Br- होता है, ब्रोमाइड का मतलब हो गया आपका Br-, तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पर से Cu Br2। बड़ा आसान था, इसका आयनन कर देना है अब आपने, इसका आयनन करना है, तो इसका आयनन करना और प्लस बन जाएगा 2 Br-1। तो इसको आपने 1 मोल ले लिया, जैसे कि क्वेश्चन में ही कहा गया है, तो ये आपका 1 मोल मिला इसमें आपको, और ये कितना मिला, 2 मोल मिला। हाँ, सही आंसर दिया है, 2 मोल मिला, ये 1 मोल 2 मोल, तो यानी कौन सा है, 1 मोल आपको ये मिला और 2 मोल मिले Br, नहीं बी, ये वाला नहीं मिला, फोर्थ वाला आंसर नहीं है इसका। यानी इसका आंसर होगा आपका नेगेटिव वाला मिला ना, ये तो पॉजिटिव वाला दिखा रखा है इसमें, तो ये आंसर कैसे हो गया, ये वाला इसका आंसर होगा, तीसरा वाला इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। यानी इसका आंसर होगा थर्ड, 1 मोल Cu2+ आयन तथा 2 मोल Br-आयन, तो 1 मोल Cu2+ आयन ये मिल रहा है आपको और 2 मोल मिल रहा है Br-आयन, ये वाला आंसर, यानी थर्ड वाला आंसर इसका होगा। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, चलिए बताइए। बोलो, सर थर्ड वाला। थर्ड वाला कैल्शियम नाइट्राइड, चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर इसने बोला है कशिश ने, देखते हैं। यानी Ca+2 हो गया, नाइट्राइट होता है आपका NO2, ठीक है, सही लगाया अंदाजा, -1, यहां से क्या हो जाएगा इधर, यानी Ca+2
वन हो जाएगा, और NO2 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी CaNO2 का होल ट्वाइस, तो CaNO2 का होल ट्वाइस इसमें थर्ड। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, फिर देखेंगे। दसवां क्वेश्चन जो है, जो पहले इससे पहले पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी एल्यूमिनियम थर्ड ब्रोमाइड, जो थर्ड ब्रोमाइड ध्यान रखना है यहाँ पे, थर्ड इसकी ऑक्सीकरण संख्या दी गई है, ब्रोमाइड के आयनन से प्राप्त होता है। देखें, 1 मोल एल्यूमिनियम थर्ड ब्रोमाइड के आयनन से प्राप्त होता है, जरा इसको सॉल्व करिए। चौथा वाला, चौथा वाला आंसर देखते हैं, चौथा वाला आंसर योगिता कह रही है, चौथा वाला आंसर चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम थर्ड ब्रोमाइड यानी Al+3L, Al क्या हो जाएगा, AlBr3 हो जाएगा। तो चलिए AlBr3 को देखते हैं अब हम, AlBr3, तो क्या टूटा आपका ये, यानी एक तो Al टूटा आपका Al+3 में टूटा, और प्लस टूटा ये आपका 3Br-1 में, तो यानी ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल है और ये आपका 3 मोल है, तो इसमें क्या चौथा वाला आंसर क्या है, 3 मोल। हाँ बिल्कुल सही आंसर है चौथा वाला, चौथा वाला आंसर इसमें बिल्कुल 3 है, नहीं 2 मोल, हाँ ठीक है, 3 मोल Br-1। खाने वाला सोडा का क्या नाम है भाई, ये तो बड़ा आसान है जरा इसको बड़ा, तो बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। थर्ड वाला, थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना, क्योंकि बिस्किट। एल्यूमिनियम सल्फाइट का सही सूत्र है, चलिए एल्यूमिनियम सल्फाइट का सूत्र लेना है। थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस थर्ड और आपका सल्फाइट होता है SO3-2, ठीक हो गया, ये 2 इधर शिफ्ट हुआ, ये 3 आपका इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास बचा Al2SO3 का होल थ्राइस, Al2SO3 का होल थ्राइस, Al2SO3 का होल थ्राइस, Al2SO3 का होल थ्राइस, हाँ थर्ड वाला आंसर है, बहुत सही जवाब दिया है, वेरी गुड, थर्ड वाला आंसर जो है ये है Al2 एल्यूमिनियम सल्फाइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, अब मैग्नीशियम सल्फाइड, सर थर्ड वाला, थर्ड वाला वेरी गुड, Mg+2 और S-2 दोनों दोनों कैंसिल और हो जाएगा आपका MgS, ये जैसे था ना SO4-2 सल्फेट, SO3-2 सल्फाइड और S-2 सल्फाइड, इसका नाम था सल्फेट, याद रख लेंगे सल्फाइड, इसको याद कर लेंगे तो आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पर ये गलत छप गया है, कुछ गड़बड़ हो गई शायद इसमें, तो इसका नाम है पोटेशियम, इसको कह लेंगे पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट का सही सूत्र है ये, तो बिल्कुल ही याद कर लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट, क्योंकि इसके तो साथ हमको बहुत ज़्यादा यूज होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। चलिए सेकेंड वाला ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला वैसे याद रहता है, तो इसमें इसको इस तरह से देखते हैं, K+ और MnO4-1, ये होता है परमैंगनेट, यानी जो हम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं वो ये है परमैंगनेट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास KMnO4, वेरी गुड, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया, अंतिम क्वेश्चन होगा इसका आज का। चलिए अच्छा, अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, मतलब हैं इसमें एक से अधिक मतलब हो सकते हैं आपके सत्य, तो आंसर आपके ये वाले रहेंगे ABCD, इसमें से ध्यान दीजिए और नीचे देखिए आंसर। सर सी वाला, सी वाला चलिए देखो, यानी हमारे पास है KNO3, KNO3 अगर ये टूटेगा भी तो इसने बनाना है K+ आयन,
और NO3 माइनस वन आयन, ठीक हो गया। तो ये K प्लस वन बना रहा है, K2 प्लस वन नहीं बना रहा, ये तो हो गया आपका गलत, ठीक हो गया भाई। अब Fe2O3 में Fe प्लस थ्री के रूप में, Fe3 प्लस के रूप में उपस्थित है, तो अब देखेंगे Fe2O3 यदि ये टूटेगा तो टूटेगा ये 2Fe+3 और 3O-2 में, ठीक हो गया। इस तरीके से टूटेगा, यानी यहाँ पर किसकी बात आई है, Fe3+ की बात आई है, तो Fe3+ के रूप में, यानी Fe3+ ये आया हमारा, Fe3+ आया, यानी ये वाला कथन हमारा सही है, ये वाला कथन सही है। अच्छा तीसरे वाले में देखते हैं, NaHCO3 में Na+ के रूप में है, तो ये तो हम जानते हैं कि भाई NaHCO3 जो होता है इसमें ये प्लस वन के रूप में होता है और ये माइनस वन के रूप में होता है, तो ये भी आपका सही है। फिर चौथा वाला क्या है, ये है आपका Na2CO3 माइनस, चलिए Na2CO3 इसको अगर तोड़ते हैं तो ये टूटेगा आपका 2Na+ और प्लस टूटेगा ये CO3-2 में, तो माइनस टू आया, तो ये यहाँ पर CO3-2 है, तो ये भी सत्य है। यानी हमारे पास कौन कौन से कथन सत्य हैं, एक तो दूसरा वाला सही है, एक तीसरा वाला सही है, एक हमारा चौथा वाला सही है। तो इन्होंने आंसर बोला था सी, तो ये जो है आंसर आपका सी सही है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इतने क्वेश्चनों में।